नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे RO/ARO एग्जामिनेशन की हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे। पेड ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है RO एग्जामिनेशन के लिए हर वीकेंड पे जनवरी के, उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो studyforcivilservices.co.in इस वेबसाइट पर विजिट करके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं आर्ट उसमें से एक है, तो किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश से जो है जुड़ा हुआ है और कार्नेटिक म्यूजिक ये यूज होता है इसमें। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। ठीक, तो ये बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है रावी की, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ठीक, इसको समाप्त किया गया। तो जो ये प्रेस के संबंध में वर्नाकुलर अधिनियम वगैरह थे तो लॉर्ड डेटन के टाइम में स्टार्ट हुए और रिपन में इसको जो है अबॉलिश किया गया था। BFSI, इसका अर्थ भारत में बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, और इसमें से कौन सा टर्म है, और यह उन उद्योगों के लिए एक व्यापक शब्द है जो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कलेक्टिवली BFSI इस टर्म को हम इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में देखते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है, उसी की बात हो रही थी, ऑप्शन डी। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के इसमें से कौन से प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया था। तो देखिए 2022 की बात हो रही है, हालांकि अब 2023 का भी हो चुका है। तो 2022 में 553वां प्रकाश पर्व था, इस बार 554वां है। गुरु नानक जी के रेफरेंस में किस अवसर को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, जरा आप ये हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता। तो स्नोफॉल, जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो जो नॉर्थ इंडिया के हमारे हिल स्टेशन हैं हिमालयन रीजन वाले, यहाँ पे जाहिर सी बात है स्नोफॉल देखने को मिलती है। ऊटी जो कि साउथ इंडिया में है तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं देखने को मिलता। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों का नाम रखेंगे कि शासक अशोक के ये पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, तो इनके नेतृत्व में जो बुद्धिस्ट धम्म की पॉलिसी थी उसके सिद्धांतों को स्प्रेड करने के लिए इस मैसेज को अलग अलग मतलब जगहों पे कई सारे अशोक ने काम किया। तो उसी क्रम में इन दोनों को इन्होंने भेजा था श्रीलंका, जो वर्तमान का है उसको पहले लंका कहते थे, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन्हें भेजा गया था। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही 1857 के रेफरेंस में हमने पहले बात की हुई है, तो निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो रियल नहीं, अडॉप्टेड सन है ना, ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा पेशवा जो लोग थे ना। निम्नलिखित में से आमाशय से आने वाले इसमें से कौन से पदार्थ जो है उसके बारे में बात हो रही है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है, ठीक, तो एक प्रकार से डाइजेशन के रूप में भी कार्य करता है, बाइल जूस पित्तरस। देखिए पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में है कि जैसे भी किसी भी पीरियड में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक, ग्रुप में, तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक साइज में क्या होता है, तो ये जो है वैल्यूज की बढ़ती है, फैक्ट के रूप में इसको देख सकते हैं आप। बहुत वैसे है ना ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्गी के बारे में नाम इनके प्लीज ध्यान से देख लीजिए और किसके एग्जाम्पल हैं, तो गलत पेयर उसमें कुछ भी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी, ये सब एग्जाम्पल्स सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है, तो पेनिनसुलर इंडिया मध्य भारत से नीचे के हिस्से में देखेंगे, तो इस ड्रेनेज पैटर्न में जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं महानदी और गोदावरी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो J&K में देखेंगे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है चेनाब रिवर का पार्ट है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है, ललितपुर जिला जो है ना,
तो रिवर कौन सी संबंधित है? तो बेतवा। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो जैसे अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, 26 जनवरी पे जो दिल्ली में कर्तव्य पथ पे परेड होती है, तो उसी इवेंट के समापन पे जो हमारे खास करके आर्म्ड फोर्सेस के जो शहीद लोग हैं उनको ये सब है ना, उनके परिवारजनों को या जो लोग जीवित हैं उनमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं इसी अवसर पे। किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A इसमें है और आर्टिकल 51A? तो किस समिति के सिफारिशों पर ऐड हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 42nd अमेंडमेंट 76, इसको पढ़िएगा। इसमें देखें क्या सुमेलित नहीं है, ठीक। कुछ रिवर प्रोजेक्ट हैं और उसमें जो संबंधित राज्य हैं उनके नाम लिखे हैं। तो इसमें जैसे चंबल परियोजना है, तो चंबल प्रोजेक्ट JV है इसका, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पे अन्य राज्य गलत दिए हुए थे। नेक्स्ट है गहन कृषि से तात्पर्य क्या हो सकता है? जैसे 1 एकड़ आपका लैंड एरिया है, ठीक। तो उसमें 1 एकड़ में सपोज नॉर्मल आउटपुट आपका होता है 100 किलो जो ग्रेन है, ठीक, परंतु आप उसी से 120 किलो जो है ग्रेन अर्जित कर सकें, तो उसके लिए जितने भी इनपुट्स है ना हम दे सके पर यूनिट है ना इस एग्रीकल्चरल लैंड में, वही होता है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित किया गया उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 10 जून 1800, यहीं पे गलत है बात, जून में नहीं, 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ठीक। और उस स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं से अवगत कराना, उसका शिक्षा देना था, तो ये बात ठीक है। इसके स्थापनाकार कौन थे ये हमने पहले बताया है, आपको जरा कमेंट करके बताइए इसे। सितार बजाने के लिए कोई इसमें से प्रमुख प्लेयर बताना है तो विलायत खान। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? सिख कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। 2022 तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार दुनिया में गेहूं का सबसे कौन सा नंबर का बड़ा उत्पादक है भारत? तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया, एज ऑफ 2023 भी यही आंकड़े हैं। संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो कई सारी चीजें हमने अडॉप्ट की हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से, उसमें से एक है कैबिनेट सिस्टम इन विकल्पों में, ऑप्शन फर्स्ट। चरकुला किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? पहले भी हमने बताया था कि ब्रज क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से संबंधित है। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो अभी रिसेंटली 2023 के भी अनाउंस हुए, तो 2022 में मिला था एनी एरोनॉक्स को, ठीक है, और 23 में मिला है जॉन फॉसे, ठीक, दोनों को ध्यान रखेंगे। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, अब प्रकाश ट्रेवल कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे अपारदर्शी मानी इसके आगे वो जा नहीं सकता प्रकाश, तो रिवर्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या बनेगा, शेडो। अति विवादित बभली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में गोदावरी से संबंधित, और डिस्प्यूट है ये तेलंगाना राज्य के साथ, ठीक, थोड़ा देख लीजिएगा कि न्यूज़ क्या है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो देखेंगे सोनभद्र रीजन में, शक्तिनगर, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा उत्तर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए इसमें से नहीं यूज होता है? तो कावेरी रिवर से संबंधित है शिव समुद्रम, है ना, और ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ऑप्शन सी। गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड में, उसमें दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नंदा देवी के बाद सेकंड है कामेट, ऑप्शन फर्स्ट। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? तो जो हमारा ये है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश, ठीक। सुंदरबन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है जरा बताइए। तो 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो 2022 में काशी तमिल संगमम स्टार्ट हुआ, एंशियंट कनेक्शंस जो वाराणसी और तमिल जो रीजन है इनके बीच रहा, तो उसके रेफरेंस में ये इवेंट आयोजित कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अभी 2022 में भी हुआ था, लेकिन 2023 में भी ये हो चुका है। 17 दिसंबर को फिर से बनारस में ना इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, तो चर्चाओं में था। तो ये ध्यान रखना है कि वेन्यू कहाँ पे है और आयोजक कौन है। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय। ब्रिटिश संसद में सन किसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपे। तो पहले बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जो सारी पावर थी EIC से चली गई ब्रिटिश क्राउन में, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 58 वाला, उसके माध्यम से। राइडर कप इसमें से किस खेल से जुड़ा है। अभी हाल ही में UPPCS ने APS परीक्षा कंडक्ट करवाई, उसमें सिमिलर ही इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। वैसे ही यहाँ पे राइडर जो है ये एक द्विवर्षीय आयोजन होता है, गोल्फ का कॉम्पिटिशन होता है, ठीक। तो खेल का जो कप है ना, थोड़ा इसकी भी लिस्टिंग देखिए, क्या पता पूछ लें इसमें भी कुछ ना कुछ। 2011 की जनगणना अभी भी जो है वही चल रही है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करेंगे जब एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचे हों तब, क्योंकि अभी करेंगे दोबारा आप भूल जाएंगे, ठीक। तो इसके अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर की जो वैल्यू थी है ना, अप्रॉक्सीमेट रेंज 2.1 से 2.9 के बीच। एब्सोल्यूट क्या थी कोई बताएगा, कितनी बताई गई थी। कुछ बांध हमारे पास हैं, कुछ नदी हैं उसके संबंध की और गलत युग्म। तो उकाई डैम जो है तवा पे नहीं, ये बेसिकली गुजरात में है, ताप्ती। इसमें से कौन भारत में जो करेंसी नोट होते हैं उसको जारी करने वाला प्राधिकारी है। तो करेंसी नोट 2 रुपए से लेकर के, अब सबसे बड़ा नोट हमारे पास 500 का ही है, क्योंकि 2000 वाला बंद हो गया है, ठीक है, सितंबर 2023 से। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि अभी पूछ ले सकते हैं ना एग्जाम में कि कब बंद हुआ, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो ये रेंज की नोट RBI छापता है, ठीक है, ऑप्शन ओनली 2, ठीक है, अन्य जो है ये गलत है विकल्प। और जरा आप ये बताइए कि 1 रुपए का जो नोट है वो कौन छापता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एक संस्थान है, इसके अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो ये है इनके बाद द्वारा बताया गया 20। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में की थी स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित 1875 में कौन सा आर्य समाज। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है, क्रेडिट ऑफ रिवाइवल ऑफ वेदास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के टाइम पीरियड में ही देखेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, ऑप्शन डी को चुनेंगे। संतुलित उर्वरक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कृषि भूमियों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, जो फूड ग्रेन हमारा हो अच्छी क्वालिटी का हो और भूमि की उत्पादकता भी बनी रहे, बहुत उसको लॉस ना हो। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो ये भी संज्ञा जो है दयानंद सरस्वती जी को ही दी जाती है। आप जरा हमें ये बताइए कि मूल रूप से मार्टिन लूथर कौन थे, ये भी अभी आपको बताया गया 1875। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग, ये पुस्तकें किसने लिखी, तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो US में आयोजित जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुई थी उसमें किस वर्ष में भाग लिया था। काफ़ी पॉपुलर इवेंट था ये, सितंबर 1893, ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। फीचर्स आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्लीज़ उसको हमें कमेंट करके बताइए। आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।